हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइंड साला। और आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि अपन हाउ टू फाइंड आउट द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं पहले कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज एनालिटिकल ऑलरेडी एनालिटिक फंक्शन विच इज वॉट एनालिटिक फंक्शन। सो हियर यू इज इक्वल टू 2x, 1 minus y is given, then find v of x comma y. So here real part is given, imaginary part we need to find out through the harmonic conjugate. So see, here u is given, then first we will find out, first of all one more thing, like if a function is analytic, मैंने last video में discuss किया था, यहाँ पे क्या होगा, ux equals to vy and uy is equal to माइनस ऑफ वी एक्स। ये सी आर इक्वेशन शुड सेटिस्फाई, इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन देन इट शुड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। ये मस्ट कंडीशन है इसकी कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो आई विल बी, मेरे पास यहाँ पे यू है तो मैं यू एक्स एंड यू वाई पहले निकाल लेता हूँ दोनों। तो सबसे पहले ये प्रोसीजर ही है, तो यू एक्स एंड यू वाई और तो यू को मेरे पास कंबाइन कर लेता हूँ, तो टू एक्स माइनस टू एक्स वाई हो गया ये। तो अब मैं यू एक्स निकालूंगा तो पहले टू माइनस टू वाई आ जाएगा, एंड व्हाट विल बी द यू वाई, यू वाई विल बी जीरो माइनस टू एक्स। यहाँ पे यू वाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू एक्स। तो ये आपके पास आ गया, और ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये किसके बराबर होगा, यू एक्स किसके बराबर होगा, वी ऑफ वाई के, और ये यू ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स के बराबर होगा। इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वी एक्स के बराबर हो गया। अब देखिए यू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, टू माइनस टू वाई equals to vy, which again we can rewrite vy as dou v upon me dou y. In the last class I have told you already. तो यहाँ पे फिर अपन क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे to find out the value of v. Actually we need to find out the value of v here because the real part is given, we need to find out the imaginary part. अपने पास real part दिया हुआ है and imaginary part को अपने को find out करना है। तो here डी डो वी अपॉन में डी डो वाई, तो डो वाई को अपन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, टू माइनस टू वाई इंटू में डो वाई इक्वल्स टू डो वी। सो हियर विल गेट टू वाई माइनस टू वाई स्क्वायर बाय टू प्लस फाइव ऑफ एक्स। ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही आता, लेकिन यहाँ पे टर्म आगे x की टर्म में भी तो है, v के अंदर x की टर्म भी होगी, y की टर्म तो चलो कॉन्स्टेंट होगी, लेकिन x की टर्म तो कॉन्स्टेंट नहीं होगी ना, वो तो वेरिएबल होगी ना, तो उसका तो डेरिवेटिव अपने को निकालना पड़ेगा, इक्वल्स टू v की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, टू से ये टू कैंसिल हो गया, तो एक v की वैल्यू अपन यहां से अपन पास आ चुकी है, v की वैल्यू अपने पास यहां से क्या आ चुकी है, v इक्वल्स टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ फाइव एक्स। बस ये 5x की वैल्यू अपने और रख दे यहाँ पे, तो अपना क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, और v अपने पास आ जाएगा। तो v निकालेंगे जो कि x की टर्म है, तो v को अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 डेज ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ vx के बराबर होगा ना, 5 डेज ऑफ x, क्योंकि ये यहाँ पे x की टर्म ही बचेगी, x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, y के रिस्पेक्ट में तो कॉन्स्टेंट था, तो x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे इसका तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ vx के बराबर, माइनस ऑफ vx के बराबर होगा, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2x, तो 5 डेज ऑफ x इज इक्वल टू डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या है 2x है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डो फाइव वाई डी फाइव बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, तो डी फाइव इज इक्वल टू टू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, फाइव ऑफ एक्स विल बी टू एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू विल गेट कैंसिल प्लस सी कॉन्स्टेंट विल बी हियर। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फाइव एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये अपने पास क्या आ जाएगा, बी अपना पार्ट आ जाएगा, जिस जो कि क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे इस तरह अपन ये भी निकाल सकते हैं, ये ऐसा एग्जाम आने का काफी ज्यादा चांस बन रहा है, इस खासकर आरसीएफ आरपीएससी एसीएफ रेंजर के अंदर ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वन और टू मार्क्स के लिए ये सफिशियंट है, अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो अपन आसानी से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। तो इसके जैसे कुछ और एग्जांपल अपन लेके देख लेते हैं कि कैसे एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, एक पार्ट दिया तो दूसरे पार्ट को कैसे अपन निकालते हैं, इसी को बोलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट।
सो गाइज अगेन u इक्वल टू एक्स वाई दे रखा है अपने को एक रियल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, और ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है ये क्या है, एनालिटिक फंक्शन है. तो अगेन द सेम थिंग, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स. अगेन दिस शुड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन इफ इट इज एन एनालिटिक फंक्शन. एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्जुगेट की. तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यू एक्स निकाल लो, वाई आ गया, यू वाई निकाल लो, एक्स आ गया. इजी सा क्वेश्चन है ये, तो यू एक्स इक्वल टू वाई आ गया, यू वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया. अब आगे क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स. सो वाई इज इक्वल्स टू वी वाई विच मीन्स वाई इक्वल्स टू डो वी अपॉन में डो वाई एंड वाई इंटू डो वाई इक्वल्स टू डो वी एंड इफ यू इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड विल गेट वन बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस अगेन द सेम थिंग एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो सॉरी अर्लियर क्वेश्चन. सो हियर दिस वाई इज द ओनली here y will be constant but v is the variable of x and y, so we can use the variable of x and y and v is also a variable of x and y. So for x it will be constant but for y it will be variable, so we'll be writing phi of x here. तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको phi of x रखेंगे क्योंकि y यहाँ पे variable, y यहाँ पे constant आ जाएगा लेकिन x की term है वो variable में आएगी, इसलिए अपन को इसको phi of x रखना है. अब बस अपने को एक ही काम करना है, phi of x की value निकालनी है और वहाँ यहाँ पे put up करनी है. अगर वो value यहाँ पे put up कर दी तो अपने पास v की value आ जाएगी, वही इसने पूछा है. ठीक है, v की वैल्यू के लिए अपने को क्या करेंगे, phi है तो इसको phi dash of x बना देते हैं क्योंकि वेरिएबल इसका इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स डॉग phi अपॉन में dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx किसके बराबर, माइनस ऑफ x के, डी phi इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इनटू dx इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड. तो यहां पे phi ऑफ x आ गया इक्वल्स टू माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. तो यहां पे y की वैल्यू है अपने पास ये, तो v की वैल्यू क्या है रख देंगे, v की वैल्यू y स्क्वायर बाय 2, phi ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. तो यहां पे ये वैल्यू आ गई अपने पास, क्या आ गया इमेजिनरी पार्ट, और v की वैल्यू अपने पास ये आ गई है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे थोड़ा सा एक आगे है थोड़ी सी, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और गेट वाले हैं स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. गेट के अंदर तो एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके कॉन्जुगेट के बेस पे. देखो अपने को फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स पी एक्स अपॉन में वाई. अभी बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज हार्मोनिक. हार्मोनिक अगेन द सेम थिंग, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स. सो यू एक्स क्या है अपने पास, यू एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, यू एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू लोग एक्स, इसको लोग इसको पूरे को एक्स मान लेते तो लोग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन में एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, और एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स स्क्वायर का और क्या हो जाएगा 2x. तो ये तो किसकी वैल्यू आ गई, यू एक्स की. अगर यू वाई की निकालना चाहें तो सेम थिंग, वन अपॉन टू वन अप लॉग ऑफ एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2y. तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, वी वाई के. यहाँ पे वी वाई देखो ये पार्ट दिया हुआ है, तो वी वाई निकाल लेते हैं पहले. वी वाई क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स बाई वाई स्क्वायर, पी एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर. अब पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन y का क्या होता है माइनस पी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर. 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन y का ये हो जाएगा, देखो इसको डी बाई डी वाई करेंगे 1 अपॉन y का, तो इसको क्या करेंगे पहले y की पावर माइनस 1, y की पावर माइनस करने के बाद में क्या करेंगे एन एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का, ये एक्स की पावर एन की फॉर्म है तो माइनस एन वाई माइनस वन माइनस टू, तो ये क्या बन जाएगा माइनस वाई की पावर माइनस टू, वी कैन राइट एज वन वाई बाई टू, और पी और एक्स दोनों क्या रह जाएंगे कॉन्स्टेंट, तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर. तो इसी का सेम वे में ये क्या आ गया पी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है तो दोनों के दोनों ऐसे ही आ गए. ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसको मैं हटा रहा हूं. अगेन वी एक्स कैसे निकालेंगे, अगेन द सेम थिंग 1 प्लस पी एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर. अब x का करना है तो ये क्या आ जाएगा पी बाई वाई ही आ जाएगा x का
ऑटोमेटिकली हो गया। अब देखो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो यू एक्स इक्वल टू पहले वी वाई कर दे, तो ये क्या आ गया यहाँ पे एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा वी वाई। वी वाई क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर आएगा ये, अगर मैं इसको खोल दूं तो ठीक है, और ये क्या आएगा इंटू में पी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये इससे जो ये पी एक्स है तो ये तो ऊपर आएगा और ये वाई स्क्वायर सी इसका ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर ये माइनस बचेगा माइनस पी पी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, या फिर हाँ इस स्टेप में लिख देता है ये वाला वाई स्क्वायर इससे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा पी एक्स ऊपर आ जाएगा। अब देखो इसने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी दिस फंक्शन इज एनालिटिकल, तो देखो यहाँ पे एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, अब मैं पी की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूंगी सेम भी आ जाए, देखो मैं अगर पी की वैल्यू माइनस वन रखता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं पी की वैल्यू माइनस वन रखता हूँ तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने माइनस वन रखा तो ये क्या हो जाएगा ऊपर तो प्लस एक्स ही बन जाएगा, मुझे पी की जगह मैंने माइनस वन रख दिया वाई स्क्वायर, अगेन यहाँ पे पी की जगह मैंने माइनस वन रखा तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है वन होता है, तो ये भी क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो मुझे प्रूव करना था दोनों बराबर आनी चाहिए, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी पी इज इक्वल टू माइनस वन पे क्या होना चाहिए दोनों फंक्शन दोनों बराबर हो रहे हैं, तो पी इक्वल टू माइनस वन पे ये क्या हो रहा है दोनों इक्वल हो रहे हैं या फिर एनालिटिकल है, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं पी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन आ जाएगी। ये फ्रेंड्स गेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप में पूछा गया था, तो कोई जरूरत नहीं आरपीएससी एसीएफ रेंजर में भी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, इजी सा क्वेश्चन है, अपने को देखो ये और ये चीज जरूरत नहीं थी, अगर यहाँ पे चेक कर लेते हो तो काफी था क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी दे रखा था एनालिटिकल है, तो वो श्योर सी बात है कि वो क्या होगा दोनों ये इक्वल ही होंगे, लेकिन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी ये इक्वल होंगे तो पी इक्वल टू माइनस वन पे दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है गाइस देखते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं गाइस फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो गाइस ये एक और क्वेश्चन है जो गेट 2014 के अंदर आया हुआ है, टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये, यू इक्वल टू अपने को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देगा, एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है और अपने को फाइंड वी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपने को फाइंड आउट करना है, अगेन द सेम थिंग इफ इट इज एनालिटिक फंक्शन CR equation will be applied, UY is equal to minus of VX. Again we will find here UX as we did in the earlier questions. So UX is equal to 2X minus 0, UY is equal to 2Y. Okay? Or again this will be equal to the VY and this will be the minus of VX. So we will take this 2X is equal to VY. Integrate on both sides. So 2X or equals to dou V upon me. डो वाई इंटीग्रेटिंग डी वाई को उधर टू एक्स इंटू टी वाई इज इक्वल टू टी वी डोवी सॉरी, तो यह आ जाएगा टू एक्स वाई प्लस फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू वी, अगेन द सेम थिंग वाई इज कॉन्स्टेंट बट एक्स इज वेरिएबल, तो फाइव ऑफ एक्स अगेन तो फाइव डेज ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्स बेसिकली फाइव डेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू वाई, सो डी फाइव अपॉन में dx is equals to minus 2y into 2y d phi is equal to minus 2y into dx integrating, so here we will get phi of x is equals to minus of 2xy plus c, instead of phi x we will put in this equation, so v equals to 2xy minus of 2xy plus c which is 0, v equals to 0, so यहाँ पे ये क्या है 0 आ गया, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो दिस इफ दिस इज एनालिटिक फंक्शन सो यू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज विल बी ए प्योरली रियल नंबर बिकॉज हियर सी इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, सो दिस विल बी प्योरली रियल नंबर एंड इफ रियल नंबर इज जीरो देन प्योरली इमेजिनरी, बट हियर व्हाट इज इट इज इट इज रियल इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, सो दिस विल बी द प्योरली रियल नंबर, सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट द कंजुगेट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड वन मोर क्वेश्चन टू फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ इट, क्वेश्चन एक क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट का उत्तर देता हूँ फिर इस सेशन को बाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन का पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, पहले देखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ, तो गाइस हमें यहाँ पे इसका क्या करना है आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मान argument of z, z is a complex number, तो 1 plus iota upon में 1 minus iota, तो इसका rationalization करेंगे, तो 1 plus iota upon में 1 plus iota, तो 1 plus iota, 1 plus iota क्या होगा, 1 square plus iota, plus iota, plus iota square upon में a square, a minus b, a plus b, तो iota square minus, a square minus b square, a plus b, a minus b,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो वन प्लस माइनस वन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वन स्क्वायर वन प्लस वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो माइनस वन और माइनस प्लस वन बन जाएगा, तो ये क्या आ गया, टू आयोटा अपॉन में टू, टू आयोटा अपॉन में टू विच मीन्स आयोटा, और रियल पार्ट इसका क्या है, जीरो है, तो इसको ये क्या बन गया, जीरो प्लस आयोटा की फॉर्म में, ठीक है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी फॉर्म में, जीरो प्लस आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला है मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, तो वाई कॉम्प्लेक्स नंबर अपन इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा का मल्टीपल वाई होता है, तो आयोटा का मल्टीपल क्या है, वन एक्स, और इधर एक्स क्या है, जीरो, तो वन बाई जीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और थीटा इन्फिनिटी कब होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ गया, पाई बाई टू आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो गाइज इस तरह अपन कुछ आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन कर लिए हैं अपन ने, और कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं इसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट के, तो गाइज ऐसे ही अपने कुछ क्वेश्चन किए और आगे अपन अगले टॉपिक पे और क्वेश्चन कर लेंगे। होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब देखो इसमें कई बार क्या होता है, दो ऐसे नंबर दे देता है, एक बार आर्ग्यूमेंट निकाले तो जेड वन इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री आयोटा, और जेड टू दे दिया थ्री माइनस फोर आयोटा, ऐसे दे दिया। अब आपको पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू बताओ, तो मैंने देखो एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन बाई जेड टू क्या होता है, जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, दोनों को क्या करना पड़ता है, नेगेटिव करना पड़ता है, दोनों के आर्ग्यूमेंट निकालो, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालो, इस वाले फॉर्मुला से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स पाई बाई एक्स, ये किसका है, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मुला, ये फॉर्मुला लगाओगे तो जेड वन आएगा जेड टू आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन आएगा और जेड टू आएगा, दोनों को यहाँ पे रखो माइनस करो आंसर आ जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तो सेम वे में इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। कुछ डाउट हो, कुछ और भी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए और हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, तभी ताकि हमें बूस्टअप मिल सके, हमें पता लगे कि हमारा वीडियो कैसा बन रहा है, कैसा और आपको और हम इसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, और हमें गाइस बहुत ज्यादा मोटिव मिलता है इससे, क्योंकि हम करे जा रहे वीडियो को, ये हमें पता लगना चाहिए कि ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमारी वीडियो को कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है या क्या है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपने बारे में, और नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगी आरपीएससी एसीएफ रेंजर की, जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ आरपीएफ एसीएफ रेंजर की आरपीएससी की, तो उनके साथ आप जाइए या उनको शेयर कीजिए हमारी वीडियो के बारे में, और देखिए गाइस, ठीक है, टिल देन बाय।